पंचायत से आए हुए सभी सम्मानित सचिव और प्रधान के नाम सबको मैं नमस्कार हमारा मेरा प्रणाम और आपको स्वागत करता हूँ। और रेडियो साहब रेडियो पंचायत महोदय और रेडियो महोदय सुरेश सिंह सर ISB रेडियो ISB को भी हमारा हार्दिक स्वागत है। हम आप लोगों को पहले भी हम आप लोगों को संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, ये जो परियोजना है ये भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग आप सुने होंगे हैदराबाद में इसरो इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन उस संस्था की तरफ से ये परियोजना चलाया जा रहा है प्रदेश में दो जनपदों में, एक तो रायबरेली है दूसरा हमने इटावा में किया था। ये 2016 में उन्होंने शुरू कराई थी। पिछले साल हम 2016 में यहाँ पे डीएम साहब के महोदय में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप कराए इसी देश से, तो आज हम राही विकास खंड के लिए हमारा पूरा रायबरेली जनपद का 18 विकास खंड में हमारा कार्यशाला एक दिन से कार्यशाला कराया जा रहा है। आज हम राही में है, हम लोग अभी हमारा 57 कराए थे, तो आप लोगों से निवेदन है कृपया हमारा टीम जो है आप लोगों को पूरा कैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से ये हमारा केंद्र जो है लखनऊ में उपस्थित हमारा ऑफिस ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है हमारा विभाग। हमारे सदस्य करीब 10 लोगों का टीम आई हुई है, इस परियोजना की टीम है श्री ब्रजेश दुबे श्री चंद्रशेखर यादव श्री शर्मा मोहम्मद शर्मा और मैडम रागिनी सिन्हा और बाहर हमारा जो स्वागत कक्ष में है प्रेरणा और हीना ये लोग करीब लगभग 10 लोगों का टीम हमारी आज पूरा कार्य कर रही है। आप लोगों को शुरुआत में ये सब डेटा आपको सैटेलाइट के माध्यम से ही ये डेटा दिया जाता है। आप लोगों के लाइब्रेरी में हमारे प्रदेश की सभी जनपद का डेटा इसी प्रोजेक्ट से पहले हुआ था CGP के नाम से, इससे ये सैटेलाइट आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट का चित्र है उपग्रहों का। ये मैंगो प्लांटेशन नहर एग्रीकल्चर लैंड कृषि क्षेत्र ये सब दिखाई देता है हम लोगों को, जिससे हम लोग मानचित्र बनाते हैं। हमारा केंद्र का काम यही है। ये आपको उपग्रहों में 2-3 वैरायटी है, हमारे इंडिया का ही खुद आप लोगों ने पेपर में पढ़े होंगे। ये उपग्रह में हम लोग का आगे है, बाकी देशों से आगे रहते हैं हम लोग। तो इसरो का बहुत ऊपर जो सैटेलाइट रॉकेट से जोड़ा जाता है आप जमीन पे सैटेलाइट देख सकते इसका। आप लोग पूछ सकते हैं इसका यूज क्या है, आपके जो विकास करने में जो वर्तमान में जो स्थिति है वो पता चलता है। अभी हाईकोर्ट भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सारे अदालतों में ये मांगा जा रहा है सैटेलाइट पिक्चर क्या कहता है। आप वेटलैंड जो है तालाब है जलाशय है वो सब गायब होते जा रहे हैं या उसकी मरम्मत नहीं हो रही ठीक से मनरेगा में या किसी तरह चल रही, वो कोर्ट पूछता है उसकी वर्तमान की स्थिति क्या। तो हम लोग हमारा केंद्र हमारा कार्यालय का काम ये है, हम लोग उपलब्ध कराते हैं वर्तमान में मतलब बाहर 15 दिन 20 दिन बाद ये ऊपर से नीचे तक सेपरेट होता है। कभी आगरा में रहेगा एक हफ्ते पहले का, फिर लखनऊ में, फिर गोंडा इस तरह के साइकिल में आता है। हर 20 दिन कोई सैटेलाइट 20 दिन में घूमता है, कोई सैटेलाइट 7 दिन में घूमता है। तो इससे हम लोग को आपको वर्तमान स्थिति पता चल
इससे हम मैप जो है इस तरह की मैप है बनाते हैं मानचित्र करते हैं, ये लैंड यूज मैप होते हैं, वो सड़क है आपकी ग्राम सड़क कितनी भी महीन सड़क हो सब हमारी इसमें नजर आ जाएगा। नहर ड्रेनेज नदियाँ तालाब जो भी है सब सारे प्रकार की सूचनाएं हमारे तैयार की जाती है। एक एग्जाम्पल आज उदाहरण के तौर पे आप देखिए इटावा है, ये सब जो सेटलमेंट जो गांव वगैरह इसमें रोड नेटवर्क ये नहर ये नदियाँ ये है जलाशय इसमें रेल नेटवर्क ये सब चीजें हमारे मैप में बनाया जाता है हर 20-25 दिन बाद। ये नदी आप देख रहे हैं इसको ये नदी है चंबल वो इटावा जनपद के यमुना नदी ये बीगढ़ इलाका है इसमें भी रोड नेटवर्क देखिए आप लोग इतना महीन जो है ये सब पता चल हम लोगों की निगरानी में आ जाता है इसको हम लोग मैप करते हैं कहाँ रोड नहीं है वो भी मालूम हो जाएगा इससे। ये पूरे प्रदेश में कहाँ वेस्टलैंड है उसर भूमि आप देख रहे हैं इधर इटावा मैनपुरी की तरफ ज्यादा है आगरा के रजाबाद की इसकी मानचित्रकरण कराया जाता है। दिखाइए यूपी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री हम लोग नहीं कर रहे हैं इसमें जो है एक जनपद जितावा के जो रोड नेटवर्क है सड़कें हैं उसके भी एक एक किलोमीटर पे माइलस्टोन होते हैं उनकी भी लोकेशन है इस मैप में डाले हुए हैं उससे क्या पता चलता है उस एक किलोमीटर में रोड की स्थिति कैसा है वो हम स्टेटस अपडेट करते हैं गवर्नमेंट को पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को हम देते हैं। आज का नाम है अभी आते हैं इनके इस प्रोजेक्ट का नाम बताते हैं एम्पावरी पंचायती राज स्पेशली यहाँ पे इतने लिखा भौगोलिक सशक्तिकरण आप लोगों को भौगोलिक मतलब लोकेशन इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य लोकेशन आपका पंचायत में विभिन्न प्रकार के असेट्स की लोकेशन उसी पे ध्यान दिया जाए। ये प्रोजेक्ट हमने पहले भी बताया था इसरो हैदराबाद में है उन्होंने ही इसको शुरू कराई ये सभी स्टेट में है ट्रेनिंग हम लोग स्टेट लेवल में कराना है लखनऊ में तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में रायबरेली में पहले हुआ था वहाँ मार्च में आज हम ब्लॉक लेवल पे हर ब्लॉक में करा रहे हैं ये हमारा उद्देश्य इसमें हमारे प्रोजेक्ट में और भी लोग एनजीओ को भी हम जोड़ते हैं एकेडमिया काफी बच्चे हैं उनको भी हम इस काम में लगाते हैं उनको भी रेमुनरेशन चार्जेस देते हैं प्रोजेक्ट की वजह से ताकि एक काम पूरा हो जाए। ये आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा ये तीन मुख्य उद्देश्य है एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब ट्रेनिंग इसी का कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं ट्रेनिंग देना आप लोगों को जैसे आप लोग सम्मानित पंचायत प्रधान और सचिव आप लोगों को हम लोग आगे कैसे कार्यशाला के द्वारा आप मोबाइल से कैसे मैपिंग करना है वो आप ट्रेनिंग आज दे रहे हैं एक दिन में और दूसरा एसेट मैपिंग आप उसके बाद आप अपने क्षेत्र में जाने के बाद असल मैपिंग कैसे की जाती है असल में आपको परिसंपत्तियाँ आपके गांव में स्कूल हॉस्पिटल सामुदायिक केंद्र बैंक ATM टेलीकॉम टावर कोई भी चीज़ हैंडपम्प पोस्ट ऑफिस कोई भी चीज़ होगा सबका आपको असल मैपिंग करना है सब असल गवर्नमेंट ने घोषित किया है असल डायरेक्टरी नेशनल असल डायरेक्टरी MEADकरके उसमें लिस्ट है आपको उसमें फोल्डर में दिया हुआ है पूरा लिस्ट है उसमें ये दूसरा उद्देश्य था असल मैपिंग करना कैसे करना वो हमारी टीम आज प्रदर्शन करेगी एक घंटे में। तीसरा उद्देश्य है आप लोगों को अपने पंचायत में आप चाहते होंगे कहीं हैंडपंप लगना है या किसी स्कूल की बाउंड्री करवाना है या ग्राम पंचायत भवन बनवाना है उसके लिए जगह आपको नोट की उस जगह पे जाके उसकी फोटो खींचना होगा एनपीटी प्लानिंग के अंतर्गत हुआ है
वो आप आगे आगे जो है पेपरलेस है, सब हमारे डिजिटल इंडिया की तरफ से आप लोगों को बढ़ना है, तो इसलिए करके आप जैसे मोबाइल से आप ब्लॉक क्या करना होगा, इसी से ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल के लिए जाएगा, ये तीन मुख्य उद्देश्य है इस परियोजना का। ये आपको असेट्स का नाम हमने बताया, तीन कैटेगरी के असेट्स होते हैं, एक सिविक असेट्स, गवर्नेंस असेट्स, तीसरा है प्रोडक्टिव असेट्स। सिविक असेट्स में जो अभी बताया था हमने, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बैंक, एटीएम, जो भी बिल्डिंग्स हैं, हैंडपंप, ये सब सिविक में सारे प्रकार की एटीएम, पोस्ट ऑफिस, सारे। गवर्नेंस में जैसे आज हम राही विकासखंड में है, विकासखंड का कार्यालय परिसर है, ये गवर्नेंस असेट है। ग्राम पंचायत भवन है, वो गवर्नेंस असेट है। जो गवर्नमेंट से संबंधित बिल्डिंग्स है, वो गवर्नेंस असेट है। तीसरा है प्रोडक्टिव असेट्स। प्रोडक्टिव असेट्स में प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन, आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि इस चीज़ को हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं, बार बार प्रोडक्शन होता हो, साल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, या बगीचे आम का प्रोडक्शन होता है, या पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब जो चिकन, ये सब प्रोडक्शन फार्म वगैरह है, फिशरीज है, वो सब इसका है। वहाँ जाएंगे आप उस लोकेशन पे, पोल्ट्री फार्म है वहाँ पे जाके आप फोटो खींचेंगे, लोकेशन लेंगे, वो एक असेट के रूप में हमारा पोर्टल में सर्वर में चला जाएगा। ये आप जितने भी असेट रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा पोर्टल में, इसरो का पोर्टल में जाएगा, वो सब लोग देख सकते हैं। लिस्ट देखा ना, आपके पास हार्ड कॉपी भी दी हुई है। ये देखिए एजुकेशन फैसिलिटीज, ये मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह इस तरह, ये वेटरनरी पशु प्राणियों का हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवे, ये सब प्रकार के पावर, जैसे इलेक्ट्रिक पोल यहाँ बाहर दिखाई देगा आपके बच्चा, वो सब भी लेना है सबका, सैनिटेशन टॉयलेट्स वगैरह इस तरह, बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन टावर, ये पूरा आपके असेट्स की पूरी लिस्ट है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अभी ये आज का ये जो कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है, असेट्स आप देखिए किस तरह के असेट्स, इस तरह के सिंबल दिखाई देगा, यहाँ क्लिक करेंगे हो सकता है ये हैंडपंप हो, इसका डिटेल बताएगा, इसका गहरा क्या है, इसका लोकेशन कहाँ पर है, और इधर पोस्ट ऑफिस हो सकता है, इधर स्कूल हो सकता है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट असेट्स है। आज का इस जो इस प्रोजेक्ट का मुख्य ये है, बोन पोर्टल, इसी पोर्टल को यूज किया जा रहा है, तो डेटा जो हमारा आप लोग क्रिएट करेंगे वो सब इस पोर्टल में मिलेगा, इसी पोर्टल का यह मोबाइल पे अभी आपको ये सब आइकन दिखाई देंगे, इसी से मैपिंग कर पाओ। यदि आप देखें ये विलेज बाउंड्री है, इस विलेज बाउंड्री का